पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI देश में सुर्खियों में है। गुरुवार को लगभग 10 राज्यों में NIA ने इसके ठिकानों पर छापेमारी की और 100 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। इस दौरान NIA ने PFI के चेयरमैन OM सलाम, केरल राज्य प्रमुख CP मोहम्मद बशीर, राष्ट्रीय सचिव BP नजरुद्दीन और राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रोफेसर P कोया शामिल को गिरफ्तार किया है। सबसे ज्यादा लोगों को केरल से गिरफ्तार किया गया है, जिसे PFI का गढ़ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की कार्रवाई PFI पर पहली बार की जा रही है। हिजाब के मामले में विरोध प्रदर्शन और कई राज्यों में CAA और NRC को लेकर हुए प्रदर्शनों में भी इस संगठन का नाम सामने आ चुका है। आइए जानते हैं PFI आखिर क्या है और इसका मुखिया OM सलाम कौन है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI खुद को एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन बताता है। संगठन का कहना है कि वह पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की आवाज़ उठाता है। संगठन के विकिपीडिया पेज के हिसाब से इसकी स्थापना साल 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी NDF के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत केरल के कालीकट से हुई, लेकिन इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में है। मुस्लिम संगठन होने के नाते इसकी ज़्यादातर गतिविधियाँ इसी समुदाय के आसपास होती हैं। यह संगठन वर्ष 2006 में तो खूब सुर्खियों में आया था, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इनकी तरफ से नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। संगठन का दावा है कि वह देश के 23 से ज्यादा राज्यों में सक्रिय है। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दक्षिण राज्यों में इस तरह के कई संगठन बने। इनमें राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फॉरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की मनीथा नीति पसारी के भी नाम थे। साल 2006 में इन तीनों संगठनों का विलय हो जाता है और इसे PFI का नाम दे दिया जाता है। संगठन का कहना है कि वह देश में मुसलमानों और दलितों के लिए काम करता है और मध्य पूर्व के देशों से आर्थिक मदद भी मांगता है। PFI का मुख्यालय कोझिकोड में था, लेकिन बाद में उसे देश की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। OM सलाम PFI चेयरमैन हैं और EM अब्दुल रहमान वाइस चेयरपर्सन हैं। PFI पर भड़काऊ नारेबाजी, हत्या से लेकर हिंसा फैलाने तक के आरोप लग चुके हैं। PFI संगठन पर केरल में हिंदुवादी संगठनों की नेताओं की हत्या में शामिल होने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इसके अलावा आतंकवादियों से कनेक्शन, दिल्ली UP में CAA NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शन को फाइनेंस करने, हिजाब मुद्दे को सुलगाने और हाथरस कांड के दौरान हिंसा भड़काने का भी आरोप लगता रहा है। 2017 में केरल पुलिस ने लव जिहाद के मामले सौंपे थे, जिसमें PFI की भूमिका सामने आई थी। वहीं 2016 में कर्नाटक में RSS नेता रुद्रेश की हत्या में भी PFI का नाम उछाला गया था। साल 2016 में NIA ने केरल के कन्नूर से आतंकी संगठन IS से प्रभावित अल जरूर खलीफा ग्रुप का खुलासा किया था। इसे देश के खिलाफ जंग छेड़ने और समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए बनाया गया था। बाद में NIA को जांच में पता चला कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर सदस्य PFI से थे। 2012 में भी PFI के टेरर लिंक सामने आने के बाद इस संगठन को बैन करने की मांग उठी थी, लेकिन तत्कालीन केरल सरकार ने उसका समर्थन किया और बात धरी की धरी रह गई। इसी तरह भारत के कई राज्यों की सरकारें समय समय पर PFI को बैन करने की मांग कर चुकी हैं। CAA NRC प्रदर्शन के दौरान UP सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस संगठन को पूरी तरह बैन करने की मांग की थी। पिछले साल असम सरकार ने भी भारत सरकार से PFI पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। असम के मुख्यमंत्री का आरोप था कि वे सीधे तौर पर विध्वंसक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, PFI का नाम काफ़ी समय से लगातार विवादों में रहा है। UP में हाथरस कांड के दौरान PFI का नाम सामने आया था। ED ने हाथरस दंगों की साजिश PFI और उसके स्टूडेंट विंग पर लगाई थी। आखिर कौन है PFI का चेयरमैन OMA सलाम? दोस्तों, OMA सलाम का पूरा नाम मोहम्मद अब्दुल सलाम ओवनगल है। PFI में उसे OMA सलाम या OMA सलाम के नाम से जाना जाता है। सलाम केरल में बिजली विभाग का कर्मचारी था। साल 2020 में केरल राज्य बिजली बोर्ड ने संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में उसे निलंबित कर दिया। तब से वह संगठन का नेशनल चेयरमैन है। इसकी कथित संदिग्ध गतिविधियां और पैसों के लेन देन संदेह के दायरे में कई एजेंसियां इसकी जांच करती रहती हैं। PFI में कितने सदस्य हैं, इसकी जानकारी संगठन किसी को नहीं देता। हालांकि दावा करता है कि कई राज्यों में इसकी यूनिट हैं और मेंबर हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार वे लगातार संदिग्ध कार्यों को अंजाम देते रहते हैं। अब ED इसकी फंडिंग की लगातार जाँच कर रहा है। नागरिकता संशोधन कानून दिल्ली दंगों में इसका लिंक सामने आया था। तब से सरकारें इस पर नजर रख रही हैं। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही खबर को शेयर करना ना भूलें।